हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कैसे लग रहा हूँ मैं? इसका फुल लुक वहाँ जाके दिखाएंगे, अभी टाइम नहीं है, लेट हो गए बहुत ज़्यादा निकलते निकलते और आज फिर लेट हो गए क्योंकि बस सो के ही नहीं उठा गया। मैं सारी रात तो जागती हूँ क्योंकि ये लड़का मुझे सोने नहीं देता। ये देखें अभी सो रहा है आराम से, ये सो रहा है आराम से, ये भी माशाल्लाह बहुत पाला लग रहा है, इसको भी मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी। ठीक है तो चलें अभी चलते हैं और बस हम लोग निकलने लगे हैं और उसके बाद फिर वहाँ जाके मिलते हैं। ओके लेट्स गो। कर दिया कैसी हो? बिजी हैं, जाकिर को दूध पिला रही हूँ, फीडर बना के दिया है, रो ऐसे रहते जैसे पता नहीं पूरी देखा जाएगा और पी ही नहीं रहा, बस मुंह में लेके बैठा हुआ, मुझे निकालो तो रोने लगता है। गंदा लड़का, जल्दी से पी लो, मैंने जाना है, वीडियो बनानी है। हाँ
ईमन फूको डांटेंगी फिर कि मेरी शादी रिकॉर्ड नहीं की क्यों, फिर वो डांटेंगी ना, फिर क्या करेंगे, हंस क्यों रहे हो, क्यों हंसी आ ली आप, क्यों हंसी आ ली, मैंने कोई जोक सुनाया आपको, कोई जोक नहीं सुनाया, चलिए चलिए फिनिश करो। हाँ भाई बताएं कैसे हैं आप, ठीक ठाक, आप दुल्हे आप ग्रूम है, आपकी शादी है, अरे आपकी ब्राइड मिल गई, आपने बताया भी नहीं हमें, हमें आपने इनवाइट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इनवाइट किया आपने हमें, अभी ढूंढ रहा हूँ, अभी ढूंढ रहे हो, अब ढूंढूंगा, वो अभी ढूंढोगे, हाँ चलो अच्छी बात है, तू पाले पाले लग लो, कोई नहीं एक नहीं बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है एक नहीं मिलेगी बहुत सारी मिल जाएंगी, माशाल्लाह अल्लाह नजर ना लगाए, माशाल्लाह मेरा शो में हो गए आज इसे को नहीं बैठ भी दो जो जगह खत्म बैठ गई बच अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह का शुक्र, आशीर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नहीं ये देखें जी, ये है मेरा बेटा माशाल्लाह, ब्राइट के आने का मुझे बहुत देर में पता चला क्योंकि जाकिर को मैं देख रही थी, वो रो रहा था, फीडर पिला रही थी उसे, तो इन सब में मुझे पता नहीं चल सका कि ब्राइड आ रही है, और जब तक मुझे पता चला तो बस इतना ही रिकॉर्ड हुआ था, ये जो फूलों की चादर उसके मतलब छत थी उसके ऊपर जिसके नीचे वो आई थी, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बड़ी बोली है, सवारी तैयार
लाइव क्यों की है सामने? चलो देख लेते हैं कि कौन ज्यादा हम तो लंच करके आए हैं लेकिन आप जल्दी से खड़े हो लोग उन्होंने देखना है कि उनके भाई हैं नीचे एक्सक्यूज मी आप लोग थोड़े से पीछे हो जाए थोड़े से पीछे हो कैमरे लगे हुए यहाँ पे अंकल को भी थोड़ा सा पीछे कर दे अंकल को नहीं बच्चे आप लोग उठे यहाँ से सारे उठे खेलता सारा दिन खड़ा रहता है वो हरकत आप थोड़े से पीछे उसकी फिक्र न करें नहीं नहीं जबान का पक्का है पाकिस्तान में लोग उधार देते हैं हंड्रेड
This is a thousand. थोड़ा सा पीछे हो जाए प्लीज, वो हाई दो सब हाई दो। तो बाकी ये तो होगी ना, वो जो आपने 5000 वाले लोन निकाले वो नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। खाओ खाओ खाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। अली भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल गायब है, लेकिन आप मैं आपको देखती रहती हूँ आपको ब्लॉग चुका है। हमने कहा चलो पहले हम स्टेज से फारिग हो लें, गिफ्ट्स वगैरह जो हम लेकर आए हैं वो दे दें, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। मम्मा आए आगे आए। ये मेरा बेटा गिफ्ट की हिफाजत करते हुए, और ये मम्मा स्टेज पर जाने की तैयारी करते हुए। जाएं, मैं हूँ। हाँ ठीक है। और भाई हीरा कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र।
इधर आओ, इतने पाले पाले लग ले आप माशाल्लाह, भाग गया। हाँ मैंने लिया है। रीता उठ चुका है, मेरा पाला जो बेटी उठ गया निमी छो के। हाँ का हुआ अभी और सोना है, बच कर लो बच कर लो, आप पूरी वीडियो में छोते हुए या रोते हुए आए हो। हाँ क्या हुआ? हाँ आज के लिए मुबारकबाद देता हूँ। अब हम दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका फिल हक़्क़ मुहम्मद रसूल महमूद हाफिज हक़्क़ एलिन बनन सलाला वाफिल हक़्क़ फातिमा मंसूर खाफिज समावाद वल अर्द वाफिल हक़्क़ हसन वंतल मुहसिन वाफिल हक़्क़ हुसैन वंतल कदीम एहसान वाफिल हक़्क़ आलमत साहरीन वल मातमीन वल मज़लूमीन दुनिया के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। या अल्लाह ये जो आज सुबह है और आज जो रुख्सती हो रही है इनको दोनों बच्चों के लिए मुबारक करार दे। इन बच्चों के दरमियान ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर जैसी जनाबे खतीब साहब रसूल पाक के दरमियान थी। ये बच्चे दोनों एक दूसरे का ऐसे ख्याल रखें जैसे जनाबे अली मुर्तजा और जनाबे फातिमा ने जन्नत एक दूसरे का ख्याल रखा है। या अल्लाह ये शादी और ये बंधन दोनों खानदानों के मिलाप का सबब बने और दोनों खानदानों की इज्जत का सबब बने। या अल्लाह आजकल के हालात में मुल्क पाकिस्तान में अपना रहम फरमा और इसके ऊपर इसकी हिफाजत फरमा आमीन। और फलस्तीन के सारे मुसलमानों पे अपना रहम फरमा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अजल फरज अहम फ्रेंड्स। हम कितने काले हो रहे हैं, लाइट सी वो लाइट सारी खत्म हो गई है, मतलब लाइट सारी एंड हो गई है, बुझ गई है, बंद कर दी है और अंधेरे में अभी भी फोटो सेशन जारी है उधर दुल्हा दुल्हन का। हम वेट कर रहे हैं सती हो तो फिर हम रिकॉर्ड करें और फिर हम भी जाएं। वैसे तो खैर अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है जी 4:30 हो गए, 4:30 हो रहे हैं, मगर करीब करीब ही है। ये रहा मेरा बेटा, मेरा आ रहा है यार। हाँ फ्रेंड्स ये है हमारा ग्रूम आज का, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। एक ग्रूम हमारा सो रहा है। जी सर सब सब सामने देखेंगे यार, थैंक यू। कुरान किसके पास है सर? आगे से थोड़ा। फ्रेंड्स अब है रुख्सती का टाइम और मेरी आवाज़ कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा सॉन्ग जो है वो हमारी इस ब्राइड के लिए गाया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह,
मेरे बाग की एक नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होंठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी छाँव में। काटा भी न चुभने पाए कभी, मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस दौर से भी दुख दूर रहे, जिस दौर से तेरा दौर मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। फ्रेंड्स, आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत के साथ, क्योंकि मुझे गाना गाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर कोई सिंगर इसको सुन रहा है तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, मैंने जस्ट सिर्फ वैसे ही गा लिया है। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, ये बस मैंने एक छोटा सा जो मेरा दिल कर रहा था अपनी ब्राइड के लिए सॉन्ग गाने के लिए, तो वो मैंने सिर्फ वो किया है। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, ओके, थैंक यू। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी ये व्लॉग देख रहा है वो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कीजिएगा जी। तो फ्रेंड्स, शादी हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है। हमारा बेटा शुरू से अब तक सो रहा है, बीच में उठा रोया बिल्कुल एन रुखसती के टाइम पर, लेकिन मैंने इनको देख लिया था कि ये वहाँ पर हैं, तो फिर मैं जो हूँ मैंने कहा चलो थोड़ी देर ये मुझे पता है संभाल लेंगे, तो इसलिए मैं जो है आ गई बाहर के आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर लूँ। और फिर दुल्हन की भी ख़ास फरमाइश थी कि रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मैंने कहा कि छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। कपड़े मेरे ऐसे हैं इसलिए मैंने चादर डाली हुई है ताकि इसको मेरे कपड़े चुभे नहीं। ओह, थक गई मैं। और चलें जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था, फिर किसी नए व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।